राहुल गांधी सत्ता के लालच में देश को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ये बात भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि वर्ष 1958 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद के चलते लागू किया था, जिसको कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में खत्म करने की बात कही है। भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर ने शुक्रवार को धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि राहुल गांधी सत्ता के लालच में देश को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को सत्ता में आने पर खत्म करने से ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो घोषणा पत्र में वादा किया है, उसके लिए कांग्रेस को अपनी राष्ट्रवादिता का परिचय देना होगा और इसका जवाब भी जनता को देना होगा। कपूर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस व इसके नेता ये स्पष्ट करें कि इस मुद्दे को लेकर उनका दृष्टिकोण क्या है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के चलते हिमाचल प्रदेश ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि हर महीने प्रदेश के किसी न किसी हिस्से में वीर सैनिकों का शव पहुँचता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सैनिकों, पूर्व सैनिकों, पैरामिलिट्री में कार्यरत सैनिकों और उनके परिवारों को इस बात को जानने का पूरा हक है कि सैनिकों के प्रति कांग्रेस का क्या दृष्टिकोण है। किशन कपूर ने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चेहरा जनता के सामने आ चुका है। आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट 1958 तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। जब हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बहुत डिस्टर्ब थी और उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस एक्ट को बनाया गया था। पंजाब में जब उग्रवाद फैला तो ये एक्ट पंजाब में भी लागू हुआ और कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया और कश्मीर के हालात बहुत खराब हुए तो 1990 में इस एक्ट को कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया। अब परदादा जो थे, आजकल के शहजादा जो हैं कांग्रेस के, अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस ने यह कहा है कि इस एक्ट को हम समाप्त करेंगे। क्या जरूरत पड़ गई इस एक्ट को समाप्त करने के लिए? ये हम जानना चाहते हैं। उग्रवाद के कारण हिमाचल प्रदेश बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। हर हफ्ते, हर माह हिमाचल का कोई ना कोई वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त होता, शहीद होते। हम कांग्रेस से ये जानना चाहते हैं, कांग्रेस के प्रदेश के नेता स्पष्ट करें कि इस एक्ट को क्यों खत्म किया जा रहा है। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से निपजीत निप्पी की रिपोर्ट।